दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में अमर उजाला समाचार पत्र में जो जानकारी दी गई थी उसकी पुष्टि के लिए बहुत सारे लोगों से जानकारी ली जा रही है। इसी संबंध में मेरी वार्ता हुई है, मेरी बात हुई है प्रतियोगी छात्र मोर्चा से भी। देखिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा का क्या कहना है। विकी खान जो अध्यक्ष हैं उनसे जब पूछा गया एग्जाम डेट के बारे में तो क्या जवाब दिया, लेकिन आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के सारे अपडेट ऑथेंटिक रूप से मिलते रहें। हाँ ये देखिए वीडियो। उत्तर प्रदेश के समस्त नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को विक्की खान का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विगत दिनों से सोशल मीडिया पे तमाम यूट्यूब चैनलों पे एक फेक न्यूज प्रसारित की जा रही थी कि सितंबर माह में जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित है, संभावित है। आज तो हद हो गई कि अमेठी के किसी न्यूज पेपर में एक माह पूर्व ही यानी अगस्त में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि को प्रस्तावित दिखाया गया है। मैं आप लोगों को पीएस परिहार के चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को यह पता चल सके कि ये सारी सूचनाएं बिल्कुल गलत है, भ्रामक है, तथ्यहीन है, झूठ का पुलिंदा है, कचरे के डिब्बे में फेंकने वाली सूचना है। अगर आपके अगल बगल कहीं कचरा का डब्बा हो तो उठाकर इस सूचना को उसी में डाल दीजिए, डस्टबिन में, और जब गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल उसी समय इस सूचना को उठाकर उस कचरे वाले गाड़ी में डाल दीजिएगा ताकि उसको जहां तक पहुंचना है वो सही अंजाम तक पहुंच जाएगा। बाकी जैसा कि आप लोगों को पता है कि फोनिक वार्ता से प्रतियोगी मोर्चा ने आदरणीय अध्यक्ष महोदय से यह मांग की थी कि 60 दिनों पूर्व विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा चयन बोर्ड जब भी करे 60 दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश के समस्त नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को इसकी जानकारी एक विज्ञप्ति के द्वारा जारी कर दी जानी चाहिए, जिससे कि वो 60 दिन प्रत्येक अभ्यर्थी एकाग्रता से अपनी तैयारी कर सके, जिस पर चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने सहमति प्रदान की थी। इसलिए मेरे भाई बिल्कुल आप लोग परेशान न हो, अभी ऐसी कोई तिथि चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नहीं है। आज हमने आदरणीय सचिव महोदया से भी, डिप्टी सचिव महोदय से भी, चयन बोर्ड के दोनों लोगों से बात की, चेयरमैन साहब से भी बात की, ऐसी कोई सूचना नहीं है।